हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप सभी को दिख ही रहा होगा कि आज हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको टेंस की शुरुआत की वीडियो में। आज पहली बार आज हम बताने जा रहे हैं आपको क्या टेंस, कि टेंस होता क्या है और टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, सब के बारे में आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, यानी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज देखते हैं पहले होता क्या है टेंस। टेंस जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, क्या टेंस मतलब क्या होता है? काल, काल यानी समय। यदि हमें किसी में समय का बोध होता है तो वहाँ क्या होता है? टेंस होता है। ये इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर है ये। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। इसे हमने कभी कभी किसी भी बच्चे से पूछ लिया जाएगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सीधे बता देते हैं 12 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के बता देते हैं। ये 4 प्रकार, ये तो ये बताएंगे, ये तो 12 इसके 4-4 तीनों भाग बताएंगे। तो मुख्यतः टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसको हमने नाम दिया ए बी सी। अब तीनों का नाम, पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी जो प्रेजेंट समय में, यानी जो इस समय चल रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और दूसरा है पास्ट काल, जो यानी आज के पहले बीता हुआ है उसे क्या कहते हैं? भूतकालीन काल, जो यानी समय जो बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अगला नंबर 3 आता है, यानी सी आता है क्या? फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य में, यानी आज के बाद क्या होने वाला है, ऐसी संभावना जिसमें व्यक्त की जाती है उसको क्या कहते हैं? भविष्य काल। जैसे कल वर्षा होगी, कल ठंडी ज्यादा पड़ेगी, इसमें क्या होता है? हमने एक कल्पना किया, यानी संभावना किया कि कल ये हो सकता है, इसलिए इसे क्या भविष्य काल, यानी भविष्य जो आने वाले समय में जो होता है उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत। जैसे ये तो टेंस के 3 प्रकार हुए, अब जैसे प्रेजेंट टेंस आया, ये प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हमने लिखा है, क्यों लिखा है ये भी बता देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है कम से कम समय में बन के आपको मिल जाए, इसे ये घंटा डेढ़ घंटा की वीडियो ना बने, इसलिए हमने पहले से ही लिख के रखा है। अब इसकी एक एक की व्याख्या करते हैं। जैसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी कोई भी अगर सेंटेंस दिया गया हो, वाक्य दिया गया हो, अगर इसके अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द अगर मिल गए, ये तीनों शब्द अगर मिल गए तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी हिंदी में इसे कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। इसी प्रकार दूसरा है, नहीं तो इसकी थोड़ी और चर्चा करते हैं। अगर ये जिसे बनाते हैं, से वह आम खाता है, ये वाक्य दे दिया गया है, वह आम खाता। अब देखते हैं यह सेंटेंस जो है, यानी यह जो वाक्य है, इसमें अंत में क्या आ गया है? ता है। अब जब ता है आ गया तो हमें पहले पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। अब देखते हैं ये ता है तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसके कुछ नियम होते हैं, यानी कुछ रूल होते हैं, इसे किस प्रकार लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा वाक्य है? असर्टिव वाक्य, यानी अफर्मेटिव, इसे कहते हैं हिंदी में साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसको बनाने के दो नियम होते हैं। दो नियम कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। पहला जो होता है, ये क्वेश्चन कर्ता के साथ, ये क्वेश्चन कर्ता के क्या होता है? मेन वर्ब में, यानी मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं, यानी जो मुख्य क्रिया होता है उसमें क्या जोड़ देते हैं? यस या यस जोड़ देते हैं। और दूसरा रूल इसका है कि बहुवचन कर्ता में कर्ता के साथ मेन वर्ब में, यानी मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं? नहीं लगाते हैं। अगर कर्ता क्या होता है? बहुवचन। अब जानते हैं हमें कर्ता एकवचन बहुवचन में क्या होता है। जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया,
किसी एक वस्तु का नाम हो गया, मतलब हमेशा क्या रहना उसका एक रहना चाहिए। जैसे इसमें तीन प्रोनाउन भी आते हैं, ही सी ही, ये तीन अगर यहाँ मिल गए, इसका हिंदी भी होता है, इसका अर्थ मतलब वह होता है, ये पुरुष के लिए रखता है, ये स्त्री के लिए रखता है, ये निर्जीव वस्तु के लिए रखता है। अब आगे आते हैं बहुवचन में, प्रोनाउन होते हैं आई वी यू, ये तो प्रोनाउन हो गए कर्ता बहुवचन के रूप में। और अगर इसे दो या दो से अधिक व्यक्ति का नाम दे दिया गया, वस्तु का नाम दे दिया गया, इसमें क्या होता है, तब ये बहुवचन कर्ता होता है। इसके साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। अब जैसे ये आ गया, वह आम खाता है, जब वह आम खाता हुआ खाता है, यानी ये पुरुष के लिए कहा गया है, तो इसमें कर्ता ही रहेगा। इसे हम बनाते हैं तो क्या होता है ही। उसके बाद हम बनाने के लिए जब हम विस्तार से बताएंगे, तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में चेंज करते हैं, यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब इसके बाद कर्ता के बाद क्रिया लिखते हैं, क्रिया के बाद कर्म लिखते हैं, कर्म के बाद अदर वर्ड, यानी अगर कोई कुछ और शब्द बचा है तो उसे लिख देते हैं। अब देखते हैं कर्ता हो गया, अब क्रिया, क्रिया यहाँ खाता है नहीं बोलेंगे, यहाँ क्रिया हमेशा खाना बोलेंगे। अब देखते हैं क्रिया वो होती है जिसके अंत में प्रायः ना नी ने आ जाए, उसी ही क्रिया कहते हैं। जैसे आम में ना तो नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, लेकिन खाता है अगर उसे क्रिया में हम चेंज करेंगे तो खाना हो जाएगा। खाना गति होती है इसका फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म एक है, थर्ड फॉर्म। ये क्रिया हमें दी है, कभी इसका भी वीडियो आप सभी को हम दे देंगे। हमारे पास कम से कम 300 प्लस मेन वर्ब फॉर्म रखे गए, इसको हम या तो आपको बोलो पीडीएफ बना के भेज दें इसी ग्रुप पे, या तो फोटो खींच के वीडियो इसका बना के धीरे धीरे भेज देते हैं, तो आप सभी लोग इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले टेंस में बहुत ही लाभकारी होगा। अब जैसे इसको बनाते हैं, वह आम खाता ही, ईट हो गया, क्रिया हो गया। अब देखते हैं ये वचन करता है, वचन साथ क्या लगता है, ये सही है। अब देखते हैं अंतिम वर्ड जो है, यानी अंतिम लेटर जो है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है, व्यंजन के साथ हमेशा यस लगता है, और वावेल साथ हमेशा यस लगता है। लेकिन यहाँ अंत में अगर ई आ जाए तो वहाँ ई अगर आ गया तो ई एस नहीं जोड़ेंगे, यहाँ क्या जोड़ेंगे, ई एस ही जोड़ेंगे, क्योंकि ई पहले से उपस्थित है। ईड का क्या हो गया, क्या खाता है, मैंगो खाता है, यानी आम खाता है, ठीक। इसी प्रकार से सेंटेंस बनता है। अब देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में यस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। जैसे एक वचन कर्ता के लिए डज नॉट, डज नॉट, इसके लिए अब वही जो यस या ई एस हम लगाते थे वही देखिए ई एस इसमें आ गया, क्योंकि ये वावेल था, इसके साथ ई एस जुड़ गया तो हो गया डज नॉट, ये नहीं का अर्थ नॉट देगा, और ये सहायक क्रिया इसमें जो मुख्य क्रिया के साथ लगाते थे वो डू के साथ ही लग गया, तो क्या हो गया डज नॉट, इसके और इसमें नहीं लगाते थे जो नहीं लिखा गया है। अब जैसे तो हम लिखते हैं वही, वह आम नहीं खाता, वह आम नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा कि एक वचन है तो क्या लगेगा डज नॉट। अब मुख्य क्रिया में फर्स्ट आम के साथ ऐसे ये नहीं लगाना, ये उधर इसी प्रकार। अब देखते हैं अगले टेंस, अब टेंस की पूरी चर्चा करें तो उसमें बताते रहेंगे पूरा एक तरफ से, क्योंकि अगर अभी सब बता देंगे तो ज्यादा समय लगेगा इसमें, तो आप सबको देखते देखते भी आप सब यूट्यूब जाएंगे और पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। अब देखते हैं इसके बाद दूसरा आता है क्या, प्रेजेंट टेंस का दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके हिंदी वाक्य अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आए तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कार्य का हमेशा, यानी कार्य का प्रायः
अपूर्ण होना पाया जाता है, यानी उन्हें कार्य का अपूर्ण होना पाया। यहाँ पर कार्य का क्या होता है, अपूर्ण होना पाया, यानी कार्य जिसे राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा, जब राम बाजार जा रहा, अभी हमने कहा राम बाजार जा रहा, अभी जा रहा है यानी अभी मार्केट बाजार में पहुंचा नहीं है, तो ये क्या हो गया, अपूर्ण हो गया, इसीलिए इसको कंटिन्यूस है, लगातार अभी ये जारी है। अब इसे बनाने के लिए इसमें सहायता की होती है इज एम आर, इज जो है इज, यानी ये वचनकर्ता के साथ इसी, जो एम है एम केवल और केवल आई के साथ लगता है, और आर जो है बहुवचन कर्ता के। अब इसके कहेंगे राम, राम एक है, एक वचन हो गया, इसके साथ सहायक क्रिया इज। और दूसरी बात तो इसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग किया जाता है, यानी मेन वर्ब में क्या किया जाता है, आई एन जी जोड़ देते हैं। अब यानी राम जानवर जी गो होता है तो हो जाएगा कोई, और दूसरी बात अगर कहीं भी जाने या आने दो शब्द अगर मिल जाए तो इसके मुख्य क्रिया के बाद तुरंत टू का प्रयोग कर देते हैं, तो गोइंग टू आगे, ठीक। अब इसी प्रकार देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि इसमें कार्य हमेशा पूर्ण वर्तमान में रहेगा, लेकिन कार्य पूरा हो चुका रहेगा, यानी कार्य को पूर्ण हो चुका होगा, इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसको देखते हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, अब अंत में आ गया चुका हूं, यानी मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, यानी मैं पुस्तक कंप्लीट पढ़ चुका हूं, यानी कार्य अब हो चुका हमारा, तो कर्ता लिखते हैं आई, इसमें सहायक क्रिया है जो है होती है, एग्रीमेंट क्या होती है, है, तो ये वचनकर्ता के लिए, ये बहुवचनकर्ता के लिए, ठीक। तो आई बहुवचनकर्ता है, आई के साथ है। अब इसमें मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, इसका क्या हो जाएगा, याद रखिए रीड है, रीड में पढ़ना होता है, रीड की तीनों क्रियाएं एक ऐसी होती है, यानी रीड है, रेड है, रेड है, द बुक, ये हमारा क्या हुआ, इस तरह कंप्लीट हो गया। अगले आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, शब्द आए तथा इसमें समय का भी बोध हो, यही इंपॉर्टेंट है, समय का भी बोध हो। अब पहले तो ये तो इसमें भी मिल रहा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, अब इसमें भी वही मिल गया, रहा है, रहे हैं, तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें समय दिया रहेगा, और समय दो प्रकार के होते हैं, निश्चित होता है एक, निश्चित होता है एक, अनिश्चित होता है। निश्चित के लिए हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित के लिए पार लगाते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये होती है हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई,
मेन वर्ब में आईएनजी का फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। इस तरह हमारा प्रेजेंट टेंस के चार भाग समाप्त हुए। अब प्रेजेंट के बाद आते हैं हम पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस की चर्चा हम तुरंत ही करने वाले हैं, जैसा कि अब समय तो बहुत कम लगाना है हमको, ये तो आपको ही पता है, इसलिए हमें समय का अभाव हम देखते हुए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं। यानी अब हम देखते हैं कैसे इसे लिखते हैं, बहुत ही शीघ्र और तेजी की गति में लिखें। जैसा कि हमने पास्ट टेंस के चारों भाग लिख दिए गए हैं, पहला है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसके बारे में चर्चा हम करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट करे किए थे वैसे उसमें ता है आया था, इसमें क्या आएगा, ता आएगा, ती आएंगे या दे थे, या तो अथवा या ई। अगर ये शब्द आपको मिलते हैं तो ये कौन से टेंस होंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी कि इसमें सहायक क्रिया का अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते तो हम करते क्या हैं, इसमें क्या करते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देते हैं। कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म लिख देते हैं। यही 12 टेंस में से यही एक ऐसा टेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, नहीं तो बाकी में प्रेजेंट में सब में प्रेजेंट और फ्यूचर में सब में क्या करते हैं, परफेक्ट को छोड़कर, परफेक्ट को छोड़कर प्रेजेंट फ्यूचर जो भी हो सब में हम देख लगभग लगभग परफेक्ट टेंस जो होता है, परफेक्ट इसमें क्या करते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, नहीं तो सब में यूज करते हैं, ठीक। और दूसरी बात, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में अपर मीडियम में क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ये तीन फॉर्म लगता है, तीनों फॉर्म को नाम से देखेंगे, अगले ही वीडियो में दिखा देंगे आपको। अब देखते हैं इसके बाद आता क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, अंत में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि शब्द आए तथा कार्य का क्या हो, अपूर्ण होना, इसमें भी अपूर्ण, जहां कंटिन्यूअस आ गया वहां जान लीजिएगा कि हमेशा अपूर्ण माना जाएगा। आधा अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो इसमें ये एक अपूर्ण रहेगा, ये पूर्ण रहेगा। अब देखते हैं इसमें सहायक क्रिया क्या होती है, इसमें वाज वेयर होती है, इसमें वाज वेयर होती है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये तो एक वचन के लिए होता है या बहुवचन के लिए, लेकिन अब की बार एक वचन में आई को भी इसमें ऐड कर दिया गया, यानी आई के साथ भी क्या हम प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसके बाद हम मेन वर्ब में क्या लिखते हैं, मेन वर्ब में आई एन जी जोड़ते हैं। अब इसी प्रकार पांच परफेक्ट टेंस देखते हैं, इसकी केवल और केवल एक ही सहायक क्रिया होती है, हैड, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और क्या सहायक क्रिया केवल और केवल एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, इसकी पहचान होती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इत्यादि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, पांच परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये टेंस काफी थोड़ा लंबा है, यानी लॉन्ग है, ये जो टेंस है ये पढ़ाते समय काफी लंबा जाएगा, यानी अगर हम इसे पढ़ाते हैं तो इसे कम से कम हम दो दिन में पढ़ाएंगे, एक सिंपल
और एक जो हट्टी है उसे दूसरे रूप में थोड़ा इसमें दो नियम मतलब दो रूल रखते हैं। अब इसके बाद आता है पांच परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पांच परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जहाँ रहा था रही थी यही रहेंगे पहचान, क्या रहेगा रहा था रही थी। परंतु इसमें क्या होता है ये समय का बोध होता है, समय का बोध होता है। हमने अभी बताया है इसके जस्ट पहले कि समय दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है एक अनिश्चित होता है। निश्चित के लिए हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं। इसका दोनों का अर्थ होता है से, यानी वाक्य में से जहाँ रहेगा उसकी मीनिंग सिंस और फॉर कंप्लीट करेंगे। अब इस प्रकार हमारा पास्ट टेंस के चारों प्रकार हल्के हल्के समाप्त हुए हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। अब जैसा कि हम फ्यूचर टेंस लिख दिए हैं कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार के, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पहला देखते हैं पहले वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट में इसकी पहचान होती है गा गी गे। जिस हिंदी वाक्य अंत में गा गी गे आ गया तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल है, यानी एक वचन के लिए विल, बहुवचन के लिए शैल, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है रहा होगा, पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये अगर आ गए तो इसमें क्या होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसकी सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब विल बी, विल बी इसके मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके आईएनजी जोड़ देते हैं। अगला है तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है फ्यूचर के लिए देख लेते हैं, इसमें चुका होगा, क्या होगा शब्द आए तो इसे क्या कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया होती है विल है, विल है, इसमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। हमने सबसे पहले बता दिया था जितने भी परफेक्ट टेंस रहेंगे सब में क्या होगा थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, और बाकी सब में पांच इंडेफिनिट को छोड़कर सब में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा यही रहेगा रहा है रही है रहे होंगे, लेकिन इसमें समय का भी बोध किया होगा, निश्चित अनिश्चित आप जान ही गए होंगे। इसके बाद इसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग भी करते हैं। जो सहायक क्रिया होती है ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है चौथे का विल है, भी है। इसकी दो सहायक क्रिया होती है विल है बीन और सेल है बीन, और इसके मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें,
क्योंकि अगर हम आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही मेहनत से बनती है, यानी कुछ हमें समझ के बनाना पड़ता है आप सबके भविष्य के ही लिए। तो और इसे देखने के बाद लाइक मत कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के भी पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्त भी जाने कुछ ना कुछ टेंस होता क्या है, टेंस के बारे में पूरी जानकारी है। अब कल हम इसी पे बनाएंगे, पहले ही टेंस की विस्तार से शुरुआत करेंगे, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस टेंस की शुरुआत हम कल ही कर देंगे और ये कम से कम 12 दिन में, यानी 4 4 8 4 3 12 12 दिन टोटल लगेंगे आपको इस चैप्टर को समाप्त करने में। इसके बाद हम जस्ट ही आएंगे एक्टिव वाइज इसको समाप्त करने के बाद हम तुरंत ही तुरंत पहले तो एप्लीकेशन लेटर ये तीन चीज पहले कंप्लीट कराएंगे, पहले 12 दिन ही, बाकी 8 दिन ज्यादा ज्यादा 8-10 दिन ये, यानी 12-10-22, उसके बाद 3-3 दिन ये चलेगा, यानी 3 दिन का, यानी कम से कम एक दिन में एक, तो 3 दिन में 3 एप्लीकेशन 3 लेटर 3 ऐसे लिखा के, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में दिक्कत ना होने पाए, आपको इंग्लिश में 70 में 70 कंप्लीट करके लेके आना है। ग्रामर 35 नंबर का होता है, 35 में 35 हमें हर हाल में चाहिए। अगर ग्रामर आपको आ गया तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम शुरुआत करेंगे कल, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।